जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज में एमसीक्यू रिवाइज करो में आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एससीआर का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है आपके सामने, ए है सर्विस कमीशन रिपोर्ट, बी है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, सी है सर्विस काउंसिल रिपोर्ट, डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। दूसरा क्वेश्चन, एससीसी का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सर्विस कमीशन केसेस, बी है समन कोर्ट केसेस, सी है सुप्रीम कोर्ट केसेस और डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सुप्रीम कोर्ट केसेस। क्वेश्चन नंबर तीसरा, AIR का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑल इंडिया रिपोर्टर, बी है ऑल इंडिया रेडियो, सी है ऑल इंडिया रिसर्च और डी है ऑल इंडिया राइट। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर। क्वेश्चन नंबर चौथा, इफ यू डिडंट नो द रिसिपिएंट्स नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन? ऑप्शन है आपके सामने, डियर मिस्टर एंड मिसेस, बी डियर सर एंड मैडम, सी है डियर और डी है हेलो। मतलब क्वेश्चन का इफ यू डिडंट नो, मतलब अगर आप जो है रिसिपिएंट्स का नेम नहीं जानते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, तो पर्सन को आप उसका जो है एड्रेस कैसे करेंगे, है ना? तो यहां पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डियर सर और मैडम कहकर आप जो है संबोधित करेंगे उस व्यक्ति को, ठीक है, अगर उसका नेम आपको नहीं पता है तो। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, डियर सर और मैडम। क्वेश्चन नंबर पांचवा, द एड्रेस ऑफ द पर्सन या कंपनी टू हूम द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन। तो यहां पर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, द लेफ्ट साइड हैंड, बी है बिलो द हैंड, सी है इन द एंड और डी है नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द पर्सन या कंपनी, मतलब कंपनी या पर्सन का जो एड्रेस है, ठीक है, हुम द लेटर, लेटर के मतलब किस स्थान पर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, द लेफ्ट साइड हैंड। क्वेश्चन नंबर छठवां, पंथ निरपेक्षता कैसी विचारधारा है? ऑप्शन है आपके सामने, भौतिकवादी, बी है आर्थिक, सी है सामाजिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पंथ निरपेक्षता भौतिकवादी विचारधारा है।